बहन जी की काबिलियत को देख करके अगर उनको ये ऑफर देते हैं कि आप इस गठबंधन में आइए और हम आपको पीएम का उम्मीदवार घोषित करते हैं। देखिए, जब तक कोई सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं होता है वो फाइनल के लिए एलिजिबल नहीं होता है, पात्र ही नहीं होता है। क्योंकि ये राजनीति है, यहाँ कोई भी पात्र हो जाता है, एक नया भी तैयार हो जाता है मेंढक, वो भी जो है चुनाव लड़ने को तैयार हो जाता है। वो उनका अपना आंकड़ा है, इसीलिए तो ये लतियाए जा रहे हैं, इसीलिए ये लतियाए जा रहे हैं। नेता जनरल वालों को साथ में लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। ये अपनी एकता क्यों नहीं बनाते हैं? अपना सामाजिक जब इतना बड़ा, बहुत बड़ा वोट बैंक है बहुजनों का, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज का देश के अंदर सबसे बड़ा वोट बैंक है, इनको जनरल वाले के 15% के वोटों की जगह। दोस्तों, एक बार फिर से वीडी चौधरी जी मेरे साथ हैं और लगातार आपने देखा होगा पिछली वीडियो में आपने बहुत ही अच्छा उन्होंने सोल्यूशन बताया था बहुजन समाज को किस तरीके से सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। क्या लग रहा है वर्तमान में, अब लग रहा है आपको ऐसा कुछ होने वाला है? जी हाँ, बहुत ही सही सकारात्मक जो है फैसले लिए जा रहे हैं अपने जो नॉन जनरल के फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं उनके द्वारा। आने वाली जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में सकारात्मक दृष्टिकोण से निर्णय लिए जा रहे हैं, परंतु जो हम लोगों के सामने एक लकीर खींचने वाली बात हुई थी, वो लकीर खींचने वाली क्या बात हुई थी कि जनरल वर्सेज नॉन जनरल की, जनरल वर्सेज नॉन जनरल की जो है लकीर खींच के हम लोग अपनी राजनीति करें। हमारे जो राजनेता हैं ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटीज के जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, इनसे हम जनता की अपीलें चल रही है, सामाजिक संगठनों की अपील चल रही है, धार्मिक जो हमारे मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध के संगठनों की अपील चल रही है। क्या अपील चल रही है? ये अपील चल रही है कि हम लोग जो है अपने फेमस पार्टी अध्यक्ष जो नॉन जनरल के हैं उनसे ये निवेदन करें, उनसे ये अपील करें, उनसे ये मांग करें कि वो मेहरबानी करें नॉन जनरल के लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर। क्यों मेहरबानी चाहते हैं हम उनसे? क्योंकि यही हमारे समाज के रहनुमा है, यही हमारे समाज के लिए दिशा निर्देश देने वाले और अधिकारों को दिलाने का काम करते हैं, क्योंकि यही चुनाव लड़ते हैं। जनता तो इनको वोट देती है, जनता इनको सपोर्ट करती है। हाँ, ये वो भी आएंगी आने वाले समय में। बड़ा वोट परसेंटेज है तो जी हाँ बिल्कुल, आपका सही सवाल है, वो भी आएंगे, क्योंकि वो भी इस इंतज़ार में है कि देखिए देश में बीएसपी की जो छवि है, जो उन्होंने सरकारें चलाई हैं, उन सरकारों के चलाने के आधार पर उनका जो एक्शन जो भी रहा है, उनका लॉ एंड ऑर्डर जो उनका रहा है, जो उन्होंने काम किए हैं, वो दुनिया के अपने भारत में जितने भी आए शासन करने वाले, उन्होंने बहुजनों के लिए इतना बड़ा काम नहीं किया है। और स्वाभाविक है ये कि बहन जी की भी और बहुजनों की ये ख्वाहिश है कि अगर ये जो तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं और एमके स्टालिन हैं और भी प्रकाश राव अम्बेडकर हैं, अगर ये उनकी काबिलियत को देखते हैं, बहन जी की काबिलियत को देख करके अगर उनको ये ऑफ़र देते हैं कि आप इस गठबंधन में आइए और हम आपको पीएम का उम्मीदवार घोषित करते हैं, तो बहन जी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारा ऐसा मानना है और बहुजन समाज का ऐसा मानना है। ऐसा क्या रहा कि पटना में जो विपक्ष एकजुट हुआ, एक मंच पर आया, बहन जी को न्योता भी नहीं दिया? देखिए, ऐसा नहीं है, बहन जी ने पहले ही क्लियर कर दिया था, बहन जी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो जो है अकेले चुनाव लड़ेंगी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने न्योता इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो पहले क्लियर कर चुकी हैं। अब उन क्यों क्लियर कर चुकी हैं ऐसा? क्योंकि इनकी तरफ से उन्हें ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि वो इनको, बहन जी को आगे लाना चाहते हैं। लेकिन नॉन जनरल पार्टियों में सबसे बड़े फेमस पार्टी अध्यक्ष तो मायावती जी हैं, राइट? बहन जी, बहन जी जो बड़ा चेहरा हैं आने वाले समय में, बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है कि बहन जी कोई ना कोई ऐसा चमत्कारिक काम करेंगे जिससे ये जो बहुजन समाज के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज के जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, जो इकट्ठे होने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनको तोड़ा जा रहा है, इकट्ठे नहीं हो पा रहे। इनको इकट्ठे करने की काबिलियत अगर किसी में है बहुजन समाज में तो वो बहन जी में है, और बहन जी को तो खामोश अभी इसलिए हैं क्योंकि वो देख रही हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके अंदर कितनी काबिलियत है, ये कितना जोड़ सकते हैं विपक्ष को, वो देख रही हैं। और उनको देख करके अभी उन्होंने देखो कुछ कदम उठाया है, तो ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप हैं, खामोश हैं,
वो अपने स्तर से अपने प्रयास कर रही हैं। नॉन जनरल के जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं उनके अंदर कितनी काबिलियत है, एकता कितनी बना सकते हैं, कितना वो नेताओं को जोड़ सकते हैं और किस तरह से बहुजन समाज की और अम्बेडकर मिशन की और महापुरुषों की विचारधारा को लेके आगे आ रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि ये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, इन्हें मिशन से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपनी सीट बचाना है, इन्हें अपना शासन बचाना है, इसलिए ये लगे हुए हैं इकट्ठे होने के लिए। बाकी देखिए, हम बसपा के प्रवक्ता तो नहीं है, हम आम आदमी हैं, ठीक है। हम जो समर्थक, हम समर्थक नहीं, हम सच्चाई के समर्थक हैं, सच्चाई के समर्थक हैं। जो भी बहुजन समाज के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज़ के लीडर हैं, वो अगर नॉन जनरल के बहुजनों के जो आइडिया का जो अलायंस है इसको लीड करने के लिए आगे आते हैं तो हम उनके समर्थक हैं। लीड करने के लिए अगर आगे नहीं आते हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के जो भी फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, वो आईडिया गठबंधन को अगर लीड करने के लिए आगे नहीं आते हैं तो हम उनसे हमेशा यही अपील करते रहेंगे कि वो मेहरबानी करें, बहुजन समाज के ऊपर उपकार करें, बहुजन समाज को जो है उनके जो सत्यानाश हो रहे हैं उनको अलग अलग चुनाव लड़ने की वजह से एक होने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, बाबा साहब ने उस समय जब कहा था, ऐसी भविष्य की संभावनाओं को देख करके कहा था। मानवर कांशीराम साहब ने भी भविष्य की संभावनाओं को देख करके कहा था कि आने वाले समय में बहुजन समाज के सारे नेता विपक्ष में जितने हैं, और वो भी सारे नेता कौन से, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के, क्योंकि हमें जनरल की जो हमारे लीडरशिप करने वाले लीडर हैं उन्होंने हमारे नॉन जनरल के लोगों के साथ हमेशा छल किया, धोखा किया है, उनके साथ जो है उनको लूटने का काम ही किया कुल मिलाकर एक शब्दों में, और एक शब्द कहा जाए तो सत्यानाशी किए हैं। आज तक सत्यानाशों के अलावा और कुछ नहीं किया है नॉन जनरल के फेमस पार्टी अध्यक्षों को, इसलिए उन्होंने ऐसी संभावना व्यक्त की थी। और आज वही सब दौर चल रहा है, आज नॉन जनरल वर्ग के समाज के सामने किसी प्रकार के कोई भी आज अस्तित्व बचाने के लिए किसी तरह का कोई रोड मैप नहीं है। रोड मैप अगर बनता है तो वो हम और आप जो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हमारे नॉन जनरल के जितने भी फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, जनाधार वाले फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, वो जिस तरह से एनडीए और यूपीए गठबंधन बना हुआ है, एनडीए और यूपीए गठबंधन को टक्कर देना है राष्ट्रीय स्तर पे, तो आईडीए गठबंधन को लीड करने के लिए फेमस पार्टी अध्यक्ष जो भी हैं वो आगे आएँ और बाकी के पार्टी अध्यक्ष उनको सहयोग करें, समर्थन करें, इकट्ठे होकर के भाईचारा और सामंजस्य बना करके चुनाव लड़ें। अभी 2024 तो दूर है, 2023 में अभी जो है सेमीफाइनल है, बड़े राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन राज्यों में चुनाव होने और अन्य राज्यों में भी होने हैं। हमारे जो नॉन जनरल के विपक्षी नेता हैं ये इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये सेमीफाइनल हमारे होने जा रहे हैं, इन सेमीफाइनल में अगर हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगी तो हमारी जो है फाइनल के जो इलेक्शन होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, उनमें हमारी परफॉर्मेंस कैसे ठीक हो सकती, कुछ भी हो, लेकिन 24 में वही होगा जो सबको पसंद है, वो जो सबको पसंद है वो तभी होगा। देखिए, जब तक कोई सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं होता है वो फाइनल के लिए एलिजिबल नहीं होता है, पात्र ही नहीं होता है, क्योंकि ये राजनीति है, यहाँ कोई भी पात्र हो जाता है, एक नया भी तैयार हो जाता है मेंढक, वो भी जो है चुनाव लड़ने को तैयार हो जाता है, तो यहाँ कोई बंदिश नहीं है। परंतु वास्तविकता और सच्चाई और यथार्थ और सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो ये सच्चाई है कि अगर हम सेमीफाइनलों में अपनी पार्टियों की परफॉर्मेंस को ठीक नहीं कर पाएंगे तो केंद्र की राजनीति में हमारे नॉन जनरल बहुजन के जो हमारे फेमस नेता हैं, फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, ये 2024 के चुनाव में कभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ये अच्छी परफॉर्मेंस तभी दे पाएंगे जब अभी से एक हम लोग नाम प्रपोज कर रहे हैं, वो नाम है आईडीए। आईडीए का फुल फॉर्म है इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस। जिस तरह से एनडीए यूपीए है वो जनरल की पार्टियों के नेतृत्व वाले गठबंधन है, और नॉन जनरल की फेमस पार्टियों के नेतृत्व वाला गठबंधन आईडीए को हम लोग प्रपोज कर रहे हैं। हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे जो मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध समाज के लोग हैं, वो आईडीए को प्रपोज कर रहे हैं कि माननीय नेताओं, बहुत मनमानी कर ली है आप लोगों ने, अब मेहरबानी करो और इकट्ठे होकर आईडीए में लीडरशिप करो। हम लोग आईडीए के कुछ नहीं है, आईडीए की लीडरशिप जैसे एनडीए की लीडरशिप बीजेपी कर रही है, यूपीए की लीडरशिप कांग्रेस कर रही है, उसी तरह से आईडीए की लीडरशिप बहन जी करें, तेजस्वी करें, नीतीश कुमार करें, कोई भी लीडर करें, वो उनका आपस का मामला है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो उन्होंने
शाब्दिक अर्थ बताया है, एक्चुअली ये शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये उन्होंने अपने मन से मनगढ़ंत शब्द बता दिए हैं। पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस उसका पीडीए का उनका जो है नाम दिया हुआ है। इसके लिए हम लोग विगत कई महीनों से जितने भी फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चंद्रशेखर आज़ाद, बहन जी और प्रकाश राव अम्बेडकर, हेमंत सोरेन, एम के स्टालिन, इन सबको हमारे आईडीए संघ के लोग लगातार रजिस्टर्ड लेटर भेज रहे हैं कि आप लोग इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ो। अगर ये नॉन जनरल का है सर, नॉन जनरल की फेमस पार्टियों को इकट्ठा करने के लिए नॉन जनरल के लोग ये मुहिम चला रहे हैं। जो अभी तक मीटिंगें हुई, चाहे बिहार में हुई हो, दिल्ली में हो, उसमें तो तमाम विपक्षी पार्टी तमाम शामिल, वो उनका अपना आंकड़ा है, इसीलिए तो ये लतियाए जा रहे हैं, इसीलिए ये लतियाए जा रहे हैं। नेता जनरल वालों को साथ में लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। ये अपनी एकता क्यों नहीं बनाते हैं? अपना सामाजिक, जब इतना बड़ा, बहुत बड़ा वोट बैंक है बहुजनों का, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज का देश के अंदर सबसे बड़ा वोट बैंक है, इनको इन जनरल वाले के 15% के वोटों की क्या ज़रूरत है? इनका साथ लेने की क्या ज़रूरत है? अगर हमारा घर कमज़ोर होगा तो हमें दूसरे से सहायता लेनी पड़ेगी। अरे वो कुछ भी कहते हो, उनसे क्या मतलब? अगर हम आप सही सिद्धांत पे नहीं चलेंगे, हमारे नॉन जनरल के फेमस पार्टी अध्यक्ष, अगर जो सैद्धांतिक तरीका है चुनाव जीतने का, वो है गठबंधन का तरीका, गठबंधन के सही तरीके को अपना करके अगर नहीं चलेंगे तो कोई भी आ सकता है।